फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंट्रोल पैनल आइडियाज़। आई एम प्रमोद परियार। तो दोस्तों, मैं एक नए टॉपिक पर आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। ध्वनि क्या है, ध्वनि तरंग कितने प्रकार की होती है, अवश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य तरंग क्या है। तो दोस्तों, यह वीडियो हमारा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन को दबाकर आल पर क्लिक कीजिएगा, जिससे हमारा आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और मैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड या आईटीआई होल्डर्स या टेक्नीशियन साथी लोगों से यह बोलूँगा कि हमारे साथ बराबर वीडियो में वॉच करिएगा, जिससे आपको जानकारी काफ़ी डीप तक प्राप्त होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ध्वनि तरंग क्या है, परिभाषा एवं प्रकार हिंदी में। आज मैं आपको ध्वनि के बारे में बताने वाला हूँ कि ध्वनि तरंग की परिभाषा क्या होती है और ध्वनि कितने प्रकार की होती है, अवश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य तरंग क्या है, ध्वनि क्या है और ध्वनि के प्रकार हिंदी में। तो दोस्तों, देखिए, ये श्रव्य, अश्रव्य एवं पराश्रव्य ध्वनि है, जो कि आवृत्ति परस स्रोत। स्रोत क्या है ध्वनि के? मानव, वाद्य और यंत्र। ये मानव और जानवर, ये इतने प्रकार की ध्वनियाँ हैं, जो इनमें अंतर है, अलग अलग प्रकार की ध्वनि प्राप्त होगी इनसे। ध्वनि तरंग क्या है, व्हाट इज साउंड? हमारे बोलने किसी वस्तु के टकराने या कंपन, यंत्र आदि से ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि तरंग एक प्रकार की ऊर्जा है, यह अनुदैर्ध्य तरंग होती है, ठोस, द्रव और गैस में संचरित होती है। अवश्रव्य तरंग क्या है? वे ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से कम होती है और जिन्हें मनुष्य सुन नहीं सकता, उन्हें अवश्रव्य तरंग कहते हैं। श्रव्य तरंग क्या है? वे ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच में होती है और उन्हें मनुष्य सुन सकता है, उन्हें श्रव्य तरंग कहते हैं। पराश्रव्य तरंग क्या है? वे ध्वनि तरंगें जिनकी आवृत्ति 20,000 से अधिक होती है और जिन्हें मनुष्य नहीं सुन सकता, लेकिन कुछ विशेष जानवर इस ध्वनि को सुन सकते हैं, उन्हें अवश्रव्य तरंग कहते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो हमारा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please subscribe my channel. Thanks.